तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि नई बाइक को कितनी स्पीड पे आपको चलाना चाहिए पहली सर्विस से पहले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो व्लॉग में। और भाई, आज थोड़ी थोड़ी सी धूप दिखाई देने लगी है। कल भी निकली थी धूप, लेकिन भाई साहब ठंड धूप निकलने के बाद भी कम नहीं हो रही है। टाइम हो चुका है बहुत ही ज्यादा वाला 9:02, और मैं निकल चुका हूँ एज यूजुअल अपने ऑफिस के लिए। लेट निकलते हैं ना तो कभी मोटो व्लॉगिंग हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। और सर्दी में तो भाई आपको पता ही है, उठने का तो मन ही नहीं करता यार। देखो थोड़ी थोड़ी सी धूप ना निकल रही है, तो हल्की है, मतलब ठंड तो एज इट इज़ है, बट धूप निकलने से थोड़ा सा रात हो जाती है। चलो भाई, सबसे पहले आज गाय को रोटी दे देते हैं। इधर से हमने इधर वाली गाय को काफ़ी दिनों से रोटी नहीं खिलाई है, छोटी वाली गाय को दे देते हैं। जल्दी खा ले, वो आ रही है बड़ी वाली। चलो गाय को रोटी दे दिया, एक को खिला दो, सारी गाय आने लगती है। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर। भाई आज भी मैंने एक और कमेंट देखा था मेरे वाइट स्टूडियो पर, उस कमेंट में लिखा था कि भाई मेरी बाइक इतनी स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही है। मतलब मैंने वो सोचा यार, जा नहीं रही है तो क्या मतलब है। तो कह रहे कि 80 की स्पीड से बाइक ऊपर नहीं जा रही है, ये कमेंट था। कहा भाई चेक कराओ सर्विस सेंटर, मैंने ऐसे बोला। तो भाई ने रिप्लाई करा बाद में कि भाई वो सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं पहली सर्विस के बाद इसकी स्पीड खुल जाएगी। तो भाई मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई अभी पहली सर्विस नहीं हुई है और बंदा अपनी स्पीड चेक कर रहा है, हाई स्पीड। मैंने कहा भाई ऐसा ना करो, अपनी बाइक को चलाओ एक लिमिटेड स्पीड में फर्स्ट सर्विस से पहले, इंजन को खुलने का टाइम दो। तो भाई का कमेंट था यही, और यही इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि नई बाइक को कितनी स्पीड पे आपको चलाना चाहिए पहली सर्विस से पहले। तो भाई बहुत से लोग जब नई नई पहली पहली बाइक लेते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि बस अब तो हम इसको रफ्तार बना दें। और बहुत से लोगों को ना ये आइडिया भी नहीं होता कि पहली सर्विस से पहले बाइक को कितनी स्पीड में चलाना है और कैसे मेंटेन करके चलाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जब भी मैंने मेरी ये दूसरी बाइक है मेरी लाइफ की, और दोनों बाइकों में मैंने यही रूल अपनाया था। और रेडर ली थी ना जब रोहित के साथ डिलीवरी लेने गए थे, तो तब भी यही हुआ था। तब भी मैंने उसको यही रिकमेंड करा था कि भाई इतनी स्पीड में चलाओ, क्योंकि दिल्ली से हमने रेडर खरीदी थी और रेडर भी हम यहाँ गुड़गांव लेके आए थे, तो मैं ही चला के लेके आया था। उस टाइम मेरे पास HF डिलक्स थी, तो जब रेडर आए तो भाई ऐसा लग रहा था ये तो तूफान है, इसको तो अभी उड़ा दूँ, ऐसा था। लेकिन फिर भी मेरे को पता था कि भाई सर्विस से पहले हमें कितनी स्पीड में मेंटेन करके चलानी चाहिए ताकि इंजन हमारा धीरे धीरे खुल जाए। क्योंकि जब नई बाइक होती है ना तो उसका इंजन एकदम न्यू होता है, उसमें ऑयलिंग वगैरह ज़्यादा की नहीं होती। और बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सर्विस से पहले ही इतनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग बाइक को चला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंजन ना एकदम से लोड लेता है और खुल नहीं पाता। और फिर यही दिक्कत होती है कि आप जब उसकी स्पीड चेक करते हो ना, तो वो स्पीड अचीव नहीं हो पाती जितनी आपकी बाइक को रिकमेंड की गई है। तो जैसा उस भाई ने मेरे को बताया ना कि भाई पहली सर्विस हुई नहीं है और मैंने 80 से ऊपर चला दिया, तो भाई मैं तो शॉक हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा कर क्यों रहे हो, आपके इंजन की तो बैंड बच जाएगी अगर आपने ऐसा किया। जनरली भाई देखो, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने चलाई है नहीं चला, बट फिर भी हमें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इंजन के जो मतलब खुलना होता है ना, इंजन का जो बिहेवियर होता है, लाइक इंजन रवा होता है एक तरीके से, रवा होने के लिए ना उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा हो और कोई भी नई बाइक ले रहा हो, चाहे वो कोई भी बाइक हो, ज़रूरी नहीं है 160 सेगमेंट की बाइक हो या 200 cc की बाइक हो, कोई भी छोटी बाइक भी हो ना, आप जैसी नई बाइक लाते हो तो उसको आप 40 से 50 मैक्सिमम 60 आप चलाओ, क्योंकि मैंने 50 की स्पीड पे मैक्सिमम चलाई थी अपनी बाइक पल्सर N160V, इसीलिए मैंने उसका हाई स्पीड अभी तक टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को एक तो खाली रोड नहीं मिलता है, और शुरू में सबने व्यूज़ पाने के लिए फटाफट से हाई स्पीड दिखा दी पहली सर्विस से पहले ही। तो उस कंडीशन में भाई मैंने तो ये सब कुछ टेस्ट नहीं किया,
और मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ये हाई स्पीड वगैरह पहली सर्विस से पहले तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले खुद ये रिकमेंड करते हैं हमें। अभी देखो यहाँ पे ट्रैफिक कितना हो रखा है। चलो मैं इस ट्रैफिक को क्लियर करके मिलता हूँ आपसे अब। सो नई बाइक के हिसाब से तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट सर्विस से पहले ना 40 to 60 के बीच में आपको स्पीड में चलानी चाहिए। आप कोई भी उसको रैश मतलब हाइपर राइडिंग करने की मत सोचो, नहीं तो आपके इंजन पे ना बाद में फ़र्क आएगा और आपकी बाइक का ना लॉन्ग सर्विस के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। और जब जब मैंने बाइक ली है ना, तो मेरे को यही सर्विस जो जहाँ से मैं बाइक लेता हूँ, मतलब जैसे आप शोरूम से बाइक निकलवाते हो, तो वो भी आपको यही बोलते हैं कि भैया फर्स्ट सर्विस से पहले 50-60 की स्पीड में चलाना, और फर्स्ट सर्विस के बाद आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा खोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में जो फर्स्ट सर्विस तक जो इंजन ऑयल आता है ना डल के, वो बिल्कुल रखा ही रहता है। यानी कि भाई बाइक आई है, रखा हुआ है, उसके बाद फिर चलता नहीं है। टेस्ट ड्राइव भी किसी ने ली होगी एक आधी बार, सभी बाइकों की तो लेते नहीं है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के लिए वो एक बाइक रखते हैं। तो जब वो इंजन ऑयल पूरी बाइक में घूम जाता है ना भाई, फर्स्ट सर्विस तक एकदम अच्छा से हो जाता है, फिर वो चेंज होता है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद पहली सर्विस में इंजन ऑयल चेंज ही होता है। तो जब वो चेंज होता है ना और फिर नया इंजन ऑयल डलता है, तब भाई बाइक का इंजन ना पूरी तरीके से खुल चुका होता है। और इसमें आपको क्या कहते हैं, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो सर्विस बुक में भी ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि भाई आपको फर्स्ट सर्विस से पहले कितनी स्पीड में चलाना है, सेकंड सर्विस तक कितनी स्पीड में चलाना है, उसमें तो थर्ड सर्विस तक भी दे रखा होता है। 9:12 हो चुके हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आज तो झटके से मार रहे भाई, मिसिंग मार रहे बाइक। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, इतनी स्पीड में चलाओ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई दिक्कत होती है। मेरे एक फ्रेंड के पास बाइक थी भाई, उसने ऐसे ही किया था और मतलब केयर नहीं करी, और उसकी बाइक ना फिर तीसरी सर्विस के बाद उसकी बाइक का इंजन ना खुल गया भाई, मतलब इंजन में काम होने की रिक्वायरमेंट आ गई, सर्विस सेंटर वालों ने बताया। भाई यही होता है, अगर आप मेंटेन करके नहीं चीज़ों को चलाओगे ना, तो यही होता है कि भाई आपकी बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है। मेंटेन करके चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार मशीनरी है, एकदम से आप उसके ऊपर लोड डालोगे ना तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। और उस भाई का जो सवाल था ना, आई होप वो भाई ये वीडियो देख रहा हो, अगर देख रहा हो तो भाई कमेंट करके बता देना कि अब आपकी पहली सर्विस हो गई है तो आपने सर्विस के हिसाब से आपकी बाइक अब स्पीड में चल रही है नहीं चल रही। इंटरसेप्टर खड़ी है भाई, पार्किंग भी यार लेट आते हैं ना फुल हो जाती है, आगे लगानी पड़ती है बिल्कुल एंड में। अब से वैसे ही झटके मार रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसको। 8 hours later सो भाई, और सुबह से हो चुकी है रात, और जैसा कि आप देख सकते हो ट्रैफिक 6 बज रहे हैं ना, तो ये तो है भाई पीक आवर्स, 6:15 हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि आपको अपनी नई बाइक किस हिसाब से चलानी चाहिए शुरू में, पहली सर्विस से पहले, और जैसा कि कंपनी रिकमेंड करते हैं कि आप 50-60 की स्पीड में चलाओ अगर आपके अपने इंजन को अच्छे से चलाना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलाना है तो, और अगर भाई आपको फिर भी नहीं चलाना है तब भी आप चला सकते हो, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि भाई अपनी बाइक को बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखते हैं, जिससे उनकी बाइक भाई लॉन्ग लाइफ चलती है हमेशा। ट्रैफिक का एक पैच तो भाई बड़ी मुश्किलों से पार कर लिया है, इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो भाई जो कमेंट आया था कि भाई 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही है, तो आई होप उस भाई को आंसर मिल गया होगा कि भाई क्यों नहीं जाती है, क्योंकि इंजन को थोड़ा सा खुलने के लिए टाइम चाहिए होता है। और आप भी अगर आप फ्यूचर में 2024 में कोई भी नई बाइक लेने जा रहे हो ना, लाइक या वो N160 हो या कोई HF Deluxe हो या प्लेटिना हो या कोई भी हो, बड़ी बाइक हो या छोटी बाइक हो, बट उसको अगर केयर करके चलाओ फर्स्ट सर्विस से पहले, भाई आपको धीरे धीरे ही चलानी चाहिए, यही रिकमेंडेशन है मेरी। क्योंकि मैंने जितनी भी बाइकें चलाई हैं उनसे मुझे सीख मिली है, और कुछ कुछ भाई मैंने एग्जांपल भी देखे हैं जिनसे हाइपर राइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पहली सर्विस से पहले। तो यही था इस वीडियो में, और ये सवारी दबान लेने के लिए भाई देखो ऑटो ने कहाँ रोक लिया। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी हो वो करेक्ट दी हो, अगर कुछ रॉन्ग दिया हो तो भाई आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी बाइक के साथ।
तो ये था इस वीडियो में, आई होप आप सभी को पसंद आए। भाई पसंद आए तो आपको पता ही है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।